personality in industry. Dr. Saroj is a founder member of India's first Chamber of Commerce of Test and Measurement Industry in 2019. Testing instruments, Indian Chamber of Commerce and Industry, within 3 years of span, more than 500 members willingly joined this chamber, and industry appreciates this great effort of Dr. Saroj. Before that, there is no representation of test and measurement industry in India. In year 2020, Dr. Saroj was also co-founder of Federation of Electrical Vehicle Association. This is the first federation of electrical vehicle in just 1 year of span. More than 600 EV industry has empaneled this federation, and everyone is appreciated for this platform. A hardcore green and clean technology enthusiast and entrepreneur, Dr. Saroj delved into electronics in 2013. He is basically is a part of Energy Efficiency Initiative of Bureau of Energy Efficiency. He assisted in star leveling program for lighting products in GE. Thereafter, he ventured into electric efficiency. बच्चों को बताया जाए ज्यादातर अपने बारे में सब इंट्रोडक्शन दे दिया बहुत काफ़ी सारी चीज़ें हैं बहुत शब्द हमारे सीनियर्स ने कवर कर लिए स्टार्टअप के लिए मैंने 3 साल वॉक करने के बाद अपना 2010 में स्टार्टअप किया था सिग्नल वॉक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड लोग कहते हैं कि कंपनी स्टार्ट करने के लिए फंड चाहिए तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि फंड ठीक है थोड़ा बहुत चाहिए जरूरी है बट उससे भी ज़्यादा आपके अंदर पैशन चाहिए आइडिया अच्छा चाहिए और एक हिम्मत चाहिए एक जज्बा चाहिए कि मुझे ये काम करना है तो करना है सबसे पहले थी मैंने 1 रुपया भी मेरे पास नहीं था जब मैंने अपना कंपनी स्टार्ट करी थी तो बस जॉब करके मैंने वो थोड़ा एक्सपीरियंस गेन किया तो जो बच्चों के पास फंड नहीं है उनके लिए एक अच्छा आइडिया कि किसी छोटी कंपनी को ज्वाइन करें बड़ी कंपनी में हो जाता है तो ठीक है जॉब करें बट अगर वो अपना कुछ करना चाहते हैं तो पहले एक छोटी सी कंपनी को ज्वाइन करें छोटी कंपनी में मेरा एक्सपीरियंस है कि काम सीखने को मिल जाता है सारी चीज़ें सीखने को आपको मिल जाती हैं आपको अगर मार्केटिंग में हो तो प्रोडक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाता है चार का भी आइडिया वैसा है पूरा एक डिस्पैच कैसे होता है वो भी आइडिया मिल जाता है तो छोटी छोटी कंपनियों से मुझे उसमें बड़ी कंपनी में ऑफर था 2002 की बात है एयरटेल में और टाटा स्काई में बट मैंने छोटी सी कंपनी नोएडा में चालू करी थी जहाँ से मुझे ये था कि यहाँ से सीखने को अच्छा मिलेगा तो उन बच्चों के लिए जहाँ से लगता है कि आपको आपके पास फंड नहीं है बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लीजिए किसी कंपनी में कहीं भी हो जाए तो सैलरी मत देगी इनिशियल में कि यार मुझे मेरा तो दोस्त तो बहुत बड़े पैकेज वो तो 25,000-30,000 पा रहा है मुझे यहाँ 10,000 मिल रहा है ये मत देखो ये देखो कि वहाँ लर्निंग करने को क्या मिल रहा है ये दैट इज़ अ मेन